लातेहार ताना भगतों ने जमकर उत्पात मचाया है। ताना भगतों के द्वारा सोमवार को लातेहार जिला मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय के घेराव के दौरान बवाल भड़क गया। ताना भगतों के पथराव में लातेहार सदर थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्र प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस को आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा। पुलिस ने इस दौरान पानी की बौछारें भी बरसाई। बाद में लातेहार एसपी अंजनी अंजन भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ताना भगतों ने इस दौरान पुलिस पीसीआर वाहन को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। विदित हो कि अखिल भारतीय ताना भगत संघ के तत्वाधान में ताना भगतों ने सोमवार को लातेहार जिला मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय का घेराव किया। इस दौरान ताना भगतों ने 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने का नारा लगाया। घायल पुलिस कर्मियों में थानेदार अमित कुमार गुप्ता, सिपाही सत्यनारायण उराव, कुमारी अमित लक्ष्मी, अंजू रोज खलको और मनोरमा कुमारी शामिल हैं। ताना भगतों के प्रदर्शन के दौरान अदालत परिसर में मौजूद सभी न्यायिक पदाधिकारियों को पीछे के रास्ते से निकाला गया। साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों की आवास सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया गया है। हंगामा बढ़ते ही व्यवहार न्यायालय परिसर के आसपास की दुकानें बंद हो गईं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी किया। ताना भगतों के प्रदर्शन के दौरान अंचल अधिकारी रुद्र प्रताप व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने ताना भगतों को काफी समझाया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और समाचार लिखे जाने तक घेराव जारी था। झारखंड होने के पहले, यानी कि स्वतंत्र होने के पहले भी ये क्षेत्र जो छोटानागपुर क्षेत्र था वो वर्दी क्षेत्र था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो छोटानागपुर वर्दी क्षेत्र था और जब संविधान बना तो छोटानागपुर या वर्दी क्षेत्र को ही 5वां अनुसूची क्षेत्र दिया गया है। तो 5वां अनुसूची क्षेत्र में शासन प्रशासन और नियंत्रण जनजातियों के हाथ में, आदिवासियों के हाथ में। इसलिए यहाँ पर जो गैर रूढ़ी प्रथा वाले, गैर जनजाति वाले, लातेहार जिला जो 5वां अनुसूची जिला पड़ता है वहाँ शासन नहीं कर सकते, कोर्ट कचहरी चला नहीं सकते। भारत के संविधान में अनुच्छेद 338 काम में है कि यहाँ जो है जनजाति आयोग है, वहाँ यहाँ के जो 5वां अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में कोर्ट कचहरी का जो निर्णय लेता है, इंस्पेक्शन करता है, तो ऑलरेडी नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर किस आधार पर लातेहार जिला में कोर्ट कचहरी हम लोग का चला रहे हैं, यहाँ का रजिस्टर, यहाँ का जज लोग, ये वाला जानना चाह रहे हैं। 5वीं अनुसूची में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, सिर्फ लातेहार में आंदोलन क्यों, आगे आंदोलन और दूसरे जिले में भी जाएगी? ये आंदोलन सब जगह हो रहा है, लातेहार में केवल नहीं है, ये भारतवर्ष के 10 राज्य में है वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ लातेहार में, यहाँ लातेहार का वासी लोग कर रहे हैं। ये आवाज है ये वाला, यहाँ का लातेहार का वो आदिवासी लोग कर रहे हैं, लोहरदा का आदिवासी लोग कर रहे हैं, गुमला में गुमला का, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सब आदिवासी मिलके वाला काम करते हैं। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।